मैं बताऊंगी, बहुत फनी रिएक्शन था मेरी मम्मी का. जब मम्मी ने सीटीसी सुनी तो हर फर्स्ट रिएक्शन वाज कि इतना पैसा दीवान में कैसे आएगा, हमें डालना है. तो मैं कॉलेज में गई, मेरी फैमिली से कोई भी टेक में नहीं है तो मेरे को बिल्कुल भी प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी. तो थोड़ी सी डीमोटिवेशन होती थी क्योंकि मेरे को 12th तक गाइडेंस मिलती रही थी मेरे भाइयों से, जो कि काफ़ी अच्छे भी थे स्टडीज़ में. तो मेरे को थोड़ा सा ब्लैंक फील होता था कि मेरे को आइडिया नहीं है आगे क्या करना है. देन आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग स्टफ, एंड जो कंपनीज मैंने क्रैक की थी वो थी क्वालकॉम, JP Morgan एंड माइक्रोसॉफ्ट. एंड उसके अलावा मैंने बहुत सारी कंपनीज में इंटरव्यू राउंड्स भी दिए, काफ़ी एंड एंड राउंड में भी गई मैं, जैसे कि अमेजोन एंड गूगल में मैं एंड राउंड तक गई थी. तो एक सवाल है मेरा, क्योंकि जब फैंग कंपनीज की बात होती है तो DSA को लेके हमेशा रहता है, ऑल्दो अभी आप रिएक्ट और टाइपस्क्रिप्ट में काम कर रहे हो, मैं उस पर बात करता हूँ. तो DSA के लिए आपकी प्रिपरेशन कैसी थी? कॉलेज टाइम में ही लगे हुए थे या थर्ड ईयर में स्टार्ट किया, फोर्थ ईयर में स्टार्ट किया, कब मतलब वो टाइम क्या था? और लीड कोड पे आप इजी मीडियम ही क्वेश्चंस किए या फिर और कैसी तैयारी थी आपकी? कोई स्टोरी आती है आपके पास, कोई प्रॉब्लम आती है, फिर चाहे रिएक्ट के अराउंड हो या टाइपस्क्रिप्ट स्पेसिफिक हो, तो कैसे आप उसको देखते हो, क्या आपकी अप्रोच रहती है सॉल्व करने की? तो जी, मैं आया था एक इवेंट में और मुझे बहुत सारे लोग मिले, और मुझे अभी मेरी किसी से मुलाकात हुई जिनका नाम है सुम्बुल, अभी माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हैं और इनको माइक्रोसॉफ्ट मिला ऑफ कैंपस. तो अभी चलते हैं, इनसे बात करते हैं, इनकी जर्नी कैसी रही और क्या क्या इनको कैसे इन्होंने चैलेंजेस फेस किए, अभी क्या काम कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट में. तो चलते हैं, आइए बात करते हैं इनसे. और अच्छी बात यह है कि इनकी स्टोरी आपको बहुत इंस्पायर करेगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. हेलो सुम्बुल, कैसे हो? तो चलिए बात करते हैं इनसे, जानते हैं इनकी जर्नी. और थैंक्स फॉर हैविंग मी भैया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके. एंड यस, आई एम सुम्बुल आरिफा एंड आई एम एन SD एट माइक्रोसॉफ्ट एंड आई ऑल्सो क्रिएट कंटेंट ऑन LinkedIn एंड मैंने अभी रिसेंटली YouTube भी स्टार्ट किया. सो अबाउट माय बैकग्राउंड, आई कम फ्रॉम एयरफोर्स बैकग्राउंड. मेरे फादर जो है वो एयरफोर्स रिटायर्ड हैं एंड मैंने अपनी स्कूलिंग बैंगलोर से कम्प्लीट किया. ओके, सो तो ये कैसा आपका कॉलेज टाइम था और क्या था कि आपको कभी IT में आना है या माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में काम करना है, थोड़ा इसके बारे में बताओ. और कॉलेज लाइफ के बारे में थोड़ा बताओ कि वहाँ पे कंपनीज वगैरह थी और वाई ऑफ कैंपस. तो जब मैं 11th 12th में CS कर रही थी, जो कि मेरा पर्सनल चॉइस था कि मैं नॉन मेडिकल करूँ क्योंकि मेरे को बायो में इंटरेस्ट नहीं था, तो मेरा डिसाइडेड नहीं था कि मैं कंप्यूटर साइंस फील्ड में ही आगे जाऊँगी. मेरे को एक्चुअली फील्ड के बारे में ही ज़्यादा आइडिया नहीं था कि कौन सी फील्ड में मेरे को जाना है. तो मेरी एक फैमिली फ्रेंड ने मेरे को ये रिकमेंड किया कि यू शुड गो फॉर CS क्योंकि वो लड़कियों के लिए काफ़ी अच्छी फील्ड है एंड अभी ट्रेंडिंग भी है. तो दैट्स हाउ आई ऑप्टेड फॉर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आफ्टर जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम, दैट इज़ JEE. तो JEE के थ्रू मेरा एडमिशन हुआ NIT कर्नाटका में. एंड उसके बाद फिर ऑफ कैंपस, मैंने ऑन कैंपस भी ऑफर्स क्रैक किए एंड ऑफ कैंपस भी ऑफर क्रैक किया. तो कॉलेज में कौन कौन सी कंपनीज आई थी जो आपने क्रैक करी? कॉलेज में तो बहुत सारी कंपनीज आई थी. NIT कर्नाटका इज़ रियली गुड एंड हमारे कॉलेज का एवरेज प्लेसमेंट मेरे टाइम में 14 LPA था, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. एंड जो कंपनीज मैंने क्रैक की थी वो थी Qualcomm, JP Morgan एंड दिस माइक्रोसॉफ्ट. एंड उसके अलावा मैंने बहुत सारी कंपनीज में इंटरव्यू राउंड्स भी दिए, काफ़ी एंड एंड राउंड में भी गई मैं, जैसे कि अमेजोन एंड गूगल में मैं एंड राउंड तक गई थी. तो फिर वहाँ से ऑफर ना लेके ऑफ कैंपस माइक्रोसॉफ्ट, मतलब कैसे ये जर्नी बनी? मतलब माइक्रोसॉफ्ट कुछ था पहले से माइंड में कि माइक्रोसॉफ्ट जाना है या फैंग को ही टारगेट करना है? ऐसे तो मेरे ड्रीम में था माइक्रोसॉफ्ट. मेरे को मतलब काइंड ऑफ ऐसा लगता था इम्पॉसिबल है क्रैक करना क्योंकि बहुत कंपटीशन था एंड बहुत मुझे लगता था बहुत फोर्ड कोडर थी माइक्रोसॉफ्ट क्रैक कर पाएंगे. सो मैंने माइक्रोसॉफ्ट के लिए 2nd ईयर में ट्राई किया इंटर्नशिप के लिए, 3rd ईयर में ट्राई किया इंटर्नशिप के लिए, बट आई डिडंट गेट सेलेक्टेड. तो मेरी ड्रीम कंपनी बन गई थी, ऑब्वियसली इट वॉज अ टारगेट. एंड और भी बहुत सारी कंपनीज को मैंने टारगेट में किया हुआ था, मैंने एक प्रॉपर लिस्ट बनाई थी जिन कंपनी के लिए मेरे को ऑफ कैंपस एंड ऑन कैंपस भी पूरा ट्राई करना है. सो माइक्रोसॉफ्ट वॉज वन ऑफ देम. माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्नशिप नहीं था, इट वॉज अ प्रोग्राम कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट एंगेज प्रोग्राम. हाँ, सो इट इज़ नॉट एग्जैक्टली इंटर्नशिप बिकॉज उसमें स्टाइपेंड नहीं होती है, बट उसमें एक प्रोजेक्ट होता है जो कि 28 डेज का होता है. उसके अलावा और भी राउंड्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहला राउंड होता है रेज्यूमे स्क्रीनिंग राउंड, देन हमारा ऑनलाइन टेस्ट राउंड होता है जो 1.5 आवर्स का होता है एंड उसमें 2 क्वेश्चन पूछते हैं. मेरे को वो मीडियम हार्ड लेवल के क्वेश्चन लगे थे. उसके बाद वो 28 डेज का प्रोजेक्ट जो कि मेन होता है, कुछ लोग उसको इंटर्नशिप जैसा समझते हैं बट दैट इज़ एक्चुअली मेंटरशिप. उसमें हमें एक मेंटर असाइन होते हैं. माइक्रोसॉफ्ट का कोई SD होगा, सीनियर डेवलपर, वो आपको असाइन होगा और 28 डेज आपको मेंटर मतलब मेंटरशिप देगा इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट्स जो आप कर रहे हो.
यस एग्जैक्टली. सो हम लोग मेंटी होते हैं. सो इट इज़ कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट एंगेज मेंटरशिप प्रोग्राम. उसके बाद फिर जो लोग जिन लोगों के प्रोजेक्ट सेलेक्ट होते हैं वो लोग नेक्स्ट राउंड तक जाते हैं जो कि टेक्निकल राउंड्स होते हैं. 3 से 4 इंटरव्यूज होते हैं. एंड आई रिमेंबर मेरे टाइम में 64 लोग ऑल इंडिया से नेक्स्ट राउंड तक गए थे जिन्होंने इंटरव्यूज दिए थे. तो कैसा लगा, क्योंकि जैसा आपने कहा कि फैमिली कंडीशंस इतनी बेटर नहीं थी जब भी हम बात कर रहे थे, तो फिर कैसे मतलब फैमिली में क्या खुशी थी जब आप माइक्रोसॉफ्ट आपने ज्वाइन किया? बहुत ज़्यादा खुशी थी क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छी कंपनी है एंड इट हैज़ ऑलवेज बीन अ ड्रीम. सबको पता है माइक्रोसॉफ्ट क्या होता है. तो मैं बताऊँगी, बहुत फ़नी रिएक्शन था मेरी मम्मी का जब मम्मी ने CTC सुनी. तो हर फर्स्ट रिएक्शन वॉज कि इतना पैसा दीवान में कैसे आएगा, मैं डालना है. वेरी नाइस, वेरी नाइस. हाँ, तो पापा भी बहुत खुश हुए होंगे? सब बहुत खुश थे. एंड एक्चुअली तब तो मेरे फादर जो थे उनको बहुत बुरा वायरल हो गया था जो कि एक अननोन वायरस था. तो ही वॉज एडमिटेड टू ICU एंड देन वेंटिलेटर. तो वो जस्ट वेंटिलेटर से रिमूव हुए थे तब ये माइक्रोसॉफ्ट का ऑफर आया एंड ही वॉज मोर देन हैप्पी. तब बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन से आए एंड इतनी बड़ी फिर खुशी का मतलब न्यूज़ मिला उनको. तो ये फुल टाइम कैसे 28 डेज आपने कंप्लीट किए, प्रोजेक्ट भी किया आपने अच्छे से समझा, तो ये फुल टाइम कैसे कन्वर्ट हुआ बाद में? तो ये जो प्रोसेस है ये हायरिंग के लिए ही है. अच्छा. तो इसके बाद फर्दर इंटरव्यू राउंड्स हुए थे आपके? हाँ, 3 से 4 टेक्निकल इंटरव्यू राउंड्स हुए थे. पहले वो सेम डे पे स्केड्यूल थे बट इट हैपेंड फॉर मतलब एक वीक का गैप आ गया बीच में. एंड इंटरव्यूज के बाद मेरे को फिर थोड़े मंथ्स बाद ऑफर आ गया. ओके ओके. सो जो आप कह रहे हो 3-4 टेक्निकल राउंड हुए, तो स्टार्टिंग के 2 राउंड मतलब थोड़ा बताओगे प्रोसेस क्या था इस फॉर योर केस? ओके. सो माइक्रोसॉफ्ट में इंटरव्यूज में आपसे DSA तो पूछते हैं, वो मेन रहता है, बट इट इज़ स्टार्टेड विद एन इंट्रोडक्शन आपके बारे में थोड़ा. एंड देन वो लोग आपकी प्रोफाइल, रिक्रूटर्स जो हैं यूजुअली आपकी प्रोफाइल खोल के देखते हैं, रेज्यूमे खोल के देखते हैं एंड रेज्यूमे के बेसिस पे आपसे सवाल पूछते हैं. तो अगर आपने रेज्यूमे में कोई भी कीवर्ड लिखा हुआ है, अगर आपने बैडमिंटन ही क्यों ना लिखा हो, उसके भी रूल्स आपसे पूछे जा सकते हैं. तो बहुत ज़रूरी है रेज्यूमे में आप जो भी लिख रहे हो ना, यू शुडेंट फेक इट. आपको एक्चुअल में उसमें कुछ बात करने के लिए होना चाहिए. उसके बाद वो लोग प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछेंगे. देन दे ऑल्सो आस्क सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस. तो मैंने अपने रेज्यूमे में ना सब्जेक्ट रिलेवेंट कोर्सेज ऐड कर रखे थे, उसका एक अलग सेक्शन. तो उन्होंने उन कोर्सेज में से मेरे से सवाल पूछे. एंड देन वी स्टार्टेड विद DSA प्रॉब्लम्स एंड 1 से 2 प्रॉब्लम्स हुए थे सारे इंटरव्यूज में. ऐसा 2 कैटेगरी हो सकती है इंटरव्यू की. पहली की एक क्वेश्चन पूछे एंड उसी का सेकंड पार्ट पूछे फॉलो अप, एंड दूसरा कि 2 क्वेश्चंस पूछे. तो यूजुअली 2 क्वेश्चंस होते थे एंड एक बार वो हो गया देन दे आस्क कि अगर आपको कोई डाउट है हमसे तो पूछो. तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अगर रिक्रूटर आगे से आपको बोल रहा है कि यू कैन आस्क मी एनीथिंग, सो यू शुडेंट बी ब्लैंक दैट टाइम. कुछ ना कुछ पूछ लो, उनका एक्सपीरियंस पूछ लो अब तक का माइक्रोसॉफ्ट में, कुछ अपने लिए फीडबैक ले लो. सो यू विल इवेंचुअली गेट दिस आफ्टर गिविंग सेवरल इंटरव्यूज, बट you should be prepared while sitting in interviews. So एक सवाल है मेरा, क्योंकि जब फैंग कंपनीज की बात होती है तो DSA को लेके हमेशा रहता है, ऑल्दो अभी आप रिएक्ट और टाइपस्क्रिप्ट में काम कर रहे हो, मैं उस पर बात करता हूँ. तो DSA के लिए आपकी प्रिपरेशन कैसी थी? कॉलेज टाइम में ही लगे हुए थे या 3rd ईयर में स्टार्ट किया, 4th ईयर में स्टार्ट किया, कब मतलब वो टाइम क्या था? और लीड कोड पे आप इजी मीडियम ही क्वेश्चंस किए या फिर और कैसी तैयारी थी आपकी? ओके. सो पहले तो जब मैं कॉलेज में गई, मेरी फैमिली से कोई भी टेक में नहीं है तो मेरे को बिल्कुल भी प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी. तो थोड़ी सी डीमोटिवेशन होती थी क्योंकि मेरे को 12th तक गाइडेंस मिलती रही थी मेरे भाइयों से जो कि काफ़ी अच्छे भी थे स्टडीज़ में. तो मेरे को थोड़ा सा ब्लैंक फील होता था कि मेरे को आइडिया नहीं है आगे क्या करना है. देन आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग स्टफ़. तो फर्स्ट ईयर में मैंने यही किया, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की एंड आई स्टार्टेड मेकिंग प्रोजेक्ट्स. तो वेब डेवलपमेंट में मेरे को इंटरेस्ट आने लगा, मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए, अपने पोर्टफोलियो से स्टार्ट किया, उसमें काफ़ी अच्छी मेरी लर्निंग हुई. उसके बाद मेरे को और लोगों ने आकर के बताया कि DSA जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो करना स्टार्ट कर दो. देन आई स्टार्टेड गिविंग DSA ट्राई. मैंने गलती ये की कि मैंने सीधे कोड फोर्सेज से स्टार्ट करा. मैंने सुना कि बाकी लोग कोड फोर्सेज कर रहे हैं, इट इज़ नॉट द आइडल वे, क्योंकि अगर आप बिगनर हो और आपसे ए भी नहीं हो रहा तो आपको बहुत डीमोटिवेशन हो सकती है. सो बाद में मैंने ये चीज़ सीखी कि स्टार्ट विथ ईजी स्टफ एंड देन आप लेवल अप करो. तो उसके बाद मैंने धीरे धीरे करके DSA कंटिन्यू किया, प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट किया, हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट किया. फिर कोविड टाइम आ गया, बहुत टाइम सेव होता था कोविड में. चाहे वो बुरा फेज तो था ही बट टाइम
बहुत मिलता था हमें, एंड अगर हम अच्छे से यूटिलाइज कर पाए देन यू कैन इवेंचुअली ग्रो अलॉट इन योर करियर. आई थिंक बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बहुत सारे तरीके से कोविड को यूटिलाइज किया, सो आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ देम. मैंने तब स्टार्ट कर दिया अपना प्रेपरेशन करना एंड डीएसए कंटिन्यू करना. सो आई रिमेंबर मैंने स्टार्ट किया था 3 क्वेश्चन हर रोज करना. ये आपका एक रूटीन बन गया? ये मेरा रूटीन बन गया. कब तक था ये रूटीन वैसे? जब तक मेरे को पीपीओ नहीं आ गया. तब तक मेरा 3 क्वेश्चन पर डे था. एक बार मेरे को पीपीओ आ गया तो फिर मैंने ये अपनी प्रिपरेशन ऑफ कैंपस के लिए स्टार्ट कर दी. मैंने बोला ऑफ कैंपस में तो और ज़्यादा कंपटीशन है, तो ऑफ कैंपस के लिए मैंने 10 क्वेश्चंस हर रोज स्टार्ट कर दी. एंड जो स्ट्रैटेजी मैंने फॉलो की, जैसा कि आपने पूछा, वो ये थी कि मैं टॉपिक वाइज सॉल्व करती थी एंड टॉपिक में भी लेवल वाइज. सो सबसे पहले मैं लीड कोड पे जाती थी. उससे पहले मैंने बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए हैकर रैंक 30 डेज ऑफ कोडिंग चैलेंज किया था, जिससे मेरी कंसिस्टेंसी बन गई है कि अब मेरे को करना ही है. तो 30 डेज की अगर प्रैक्टिस हो तो आपकी कंसिस्टेंसी बन जाएगी एंड आगे भी वो कंसिस्टेंसी आप मेंटेन करो. तो मैंने यही किया था, पहले वो चैलेंज कंप्लीट किया, मेरे बेसिक स्ट्रॉन्ग हो गए. देन मैंने लीड कोड प्लेटफॉर्म पर स्विच कर लिया. एक एक टॉपिक का मैं ईजी, मीडियम एंड हार्ड लेवल करती थी. तो 10 क्वेश्चंस हर रोज मैंने करना स्टार्ट कर दिया. हार्ड में ऑब्वियसली 10 क्वेश्चंस नहीं होंगे, बट दैट वाज अ टारगेट. सो दैट्स हाउ आई प्रिपेयर्ड. सो उम्मीद है जी आपको ये सब क्लैरिटी मिल रही होगी. बेसिकली ये पॉडकास्ट का करने का ऑब्जेक्टिव है कि एक आपको माइंडसेट समझ आए, बिकॉज आप में और इनमें बस यही डिफरेंस है माइंडसेट का और तैयारी का. तो वो सब चीज़ें हम कोशिश कर रहे हैं सुम्बुल से निकलवाएं. अब ये बताइए, माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन करने के बाद क्या प्रोसेस रहता है? आपको इमीडिएट प्रोजेक्ट मिल गया, फिर दोबारा से कुछ ट्रेनिंग वगैरह मिली है आपको? बिकॉज टाइपस्क्रिप्ट और रिएक्ट आपके इंटरव्यू का पार्ट था? नो, इट वाजंट. सो दैट वी गेट द ट्रेनिंग. सो मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, स्पेशली इन फैंग कंपनीज और फ्रेशर्स के लिए, कि जब वो ज्वाइन करते हैं तो मेन फोकस डीएसए ही है. एंड अगर आपको आप बैकएंड आप नहीं जानते, फ्रंट एंड आप नहीं जानते, लेटर और आपको ट्रेनिंग मिलेगी अच्छे से, उसके बाद आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करोगे. कितना ट्रेनिंग आपको मिला? सो दैट डिपेंड्स ऑन टीम वाइज. तो मेरी टीम में मेरे को और ऑल्सो पर्सन वाइज कि उसको कितना एक्सपीरियंस है एंड कितना टाइम लग सकता है इस फ्रेमवर्क को सीखने में. तो मेरे को आई थिंक 2 हफ्ते की ट्रेनिंग मिली थी बस. कुछ लोगों को यही चीज़ 1.5 महीने की मिलती है जिनका थोड़ा टफ लेवल होता है. सो दैट डिपेंड्स कि आप कितना टाइम लगाते हो ट्रेनिंग में, बट इट्स वेरी फ्लेक्सिबल. मतलब यू कैन आस्क फॉर मोर टाइम एंड या दैट्स हाउ इट वर्क्स. बहुत अच्छा. तो अभी कैसा लग रहा है काम करके और कितना अलग है कॉलेज से माइक्रोसॉफ्ट, और कॉर्पोरेट में आप आ गए हो, कितना आपको अलग लगता है एंड कैसा जा रहा है अभी तक प्रोजेक्ट? अच्छा जा रहा है, चैलेंजेस तो आते होंगे, कैसे उन चैलेंजेस को टैकल करते हो आप? कैसा लग रहा है? तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है. यहाँ पे सब कोई बहुत सपोर्टिव है. मेरे मैनेजर, उनके मैनेजर, पूरा ऑर्ग बहुत ही सपोर्टिव है. दे ऑलवेज पुश मी टू डू बेटर एंड दे अप्रिशिएट व्हाट आई डू इनसाइड एंड आउटसाइड माइक्रोसॉफ्ट. सो कल्चर तो बहुत अच्छा है, काम भी बहुत अच्छा है, बहुत इम्पैक्टफुल है. एंड आई एम लर्निंग न्यू थिंग एवरी डे. लाइक हर रोज़ नया काम सीखने को मिलता है एंड जैसे जैसे हमें टास्क मिलते जाते हैं, वो मैनेजर जो है वो डिसाइड करते हैं कि कैसे टाइप के आपको टास्क असाइन होंगे. एंड माय मैनेजर इज स्मार्ट इनफ, तो वो जो भी टास्क मेरे को असाइन करते हैं वो ऐसा होता है कि वो मेरे लिए चैलेंजिंग भी हो, थोड़ा नया भी हो, एंड ताकि मैं काम करते करते बोर ना हो. तो बहुत अच्छा लग रहा है. इट्स अ वेरी ग्रोथ माइंडसेट वाला कल्चर है हमारे पास. तो दैट वाज द रिप्लाई टू फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाट वाज द सेकंड क्वेश्चन? लाइक अभी प्रोजेक्ट्स जैसे रिएक्ट कर रहे हो, टाइपस्क्रिप्ट कर रहे हो, कितना मजा आ रहा है प्रोजेक्ट में काम करके, कंट्रीब्यूट करके, चैलेंजेस मतलब काइंड ऑफ क्या आते हैं? मतलब क्योंकि अभी आपने सीखा है, वो टाइम भी हो गया, 1.5 साल आपको हो गया है, तो चैलेंजेस वाइज जब आते हैं तो कैसे उसे आप सॉल्व करते हो? एक्चुअली मेरे को रिएक्ट में उतना एक्सपीरियंस नहीं था, मैं टाइम के साथ सीख गई. तो मज़ा तो बहुत आ रहा है एंड और भी नई नई चीज़ों पे मैं काम कर रही हूँ, जैसे पावर बी आई पे काम कर रही हूँ. अभी कोपायलट आया तो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी वर्क ऑन दैट एज वेल. सो इट्स फन. ओके, तो जैसे अब कोई स्टोरी आती है आपके पास, कोई प्रॉब्लम आती है, फिर चाहे रिएक्ट के अराउंड हो या टाइपस्क्रिप्ट स्पेसिफिक हो, तो कैसे आप उसको देखते हो, क्या आपकी अप्रोच रहती है सॉल्व करने की? पहले तो मैं उसको पूरा वॉक थ्रू करती हूँ, एनालाइज करती हूँ, एंड देन आई मेक प्लान कि मैं स्टेप वाइज कि मैं क्या क्या करने वाली हूँ. देन हमें यूजुअली एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरह मैं उसको लेती हूँ एंड देन आई स्टार्ट कोडिंग इट. या फिर अगर डिज़ाइन इन्वॉल्व है तो पहले डिज़ाइन करते हैं एंड देन हमारे डिज़ाइन डिस्कशंस होते हैं, डिज़ाइन फाइनलाइज होता है, उसके बाद हम लोग कोड करते हैं. देन उस चीज़ को हम PM वगैरह को भेजते हैं, ऑप्टिमाइज करते हैं, एंड देन PM जो है वो यूज़र से भी फीडबैक लेते होंगे एंड देन दे कम बैक टू अस विथ मोर फीडबैक्स एंड जो भी चेंजेस रिक्वायर्ड है. सो दैट्स हाउ इट वर्क्स.
सो आने वाले कुछ सालों में कहाँ देखते हो अपने आप को, क्या चल रहा है माइंड में? अभी तो ठीक है, अभी बहुत कुछ सीखना है आपने, बट कुछ स्पेसिफिक और माइंड में है कि मुझे ये करना है और क्या है वो चीज़, मतलब कुछ ऐसा है माइंड में या ठीक है अभी जैसा चल रहा है? ठीक है, मुझे ग्रो करना है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, ग्रो करना है एज अ कंटेंट क्रिएटर भी मुझे ग्रो करना है। कोई एडवाइस हमारे व्यूअर्स को देना चाहोगे आपकी जर्नी से जो आपने सीखी हो और आपको लगता है कि हाँ ये मैसेज देना चाहिए, कोई गलतियाँ आपकी, मिस्टेक्स? यस, सो पहली बात तो ये कि जो भी आप कर रहे हो अच्छा कर रहे हो एंड करते रहो, कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यू शुड बी कंसिस्टेंट। एंड उसके अलावा आपको एक टारगेट लेकर के चलना है, वो टारगेट कल का या परसों का नहीं होगा, वो टारगेट होगा थोड़ा लॉन्ग टर्म टारगेट, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों टारगेट आपको प्लान करने अच्छे से, ठीक है? तो अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो आपको स्टार्ट कर देना चाहिए प्लान करना कि कॉलेज के बाद आपको क्या करना है। सो ये चीज़ आप जितना जल्दी स्टार्ट कर दो उतना अच्छा रहेगा। एंड कंपनी जब आप टारगेट करो, एक कंपनी टारगेट मत करो, 100 कंपनीज टारगेट करो, तब जा करके हो सकता है आपके 10-15 में इंटरव्यू राउंड्स तक जाए एंड उसके बाद एक या दो कंपनी हार्डली, मतलब एक या दो कंपनी से तो आपको ऑफर आ ही जाएगा। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। एंड या सो बेसिकली जितना ज़्यादा अप्लाई कर सकते हो करो, बिल्कुल मत सोचो, लिंक्डइन पे ट्राई करो ऑफ कैंपस, लाइक बिकॉज लिंक्डइन एक बेस्ट वे है। एंड वन मोर एडवाइस कि लिंक्डइन यूज़ करो, बहुत अच्छे से नेटवर्क बनाओ एंड अपने आसपास अपना एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा रखो, जो भी आप फ्रेंड्स बना रहे हो दे शुड ग्रो अलॉन्ग विथ यू, ठीक है? सो नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है, अगर आप कॉलेज में हो या फिर आप कहीं पे भी हो, मेक प्रॉपर नेटवर्क्स, बिकॉज वो आज नहीं तो कल आपको बहुत काम आएंगे, आपको उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, उनको आपसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, आपकी बहुत सारी स्किल्स इंप्रूव होंगी, सो मेक नेटवर्क्स। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। एंड उम्मीद है जी आपने बहुत कुछ सीखा होगा सुम्बुल की जर्नी से। एंड इन्होंने बात करी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, अपना प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस के बारे में, कैसे इनको अपॉर्चुनिटी मिला, इंटरव्यू प्रोसेस, एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, एम इज 4000 कर देना ऐसी और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, टिल देन ध्यान रखिए अपना, थैंक यू सो मच।